नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और आज हम फिर से आपके लिए एकदम मज़ेदार वीडियो लेकर आ चुके हैं। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप 7 दिन में या 1 हफ्ते में अपनी हाइट कैसे ग्रो कर सकते हो। और इस वीडियो में हम जो भी बात करेंगे वो बात सारी साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू प्रूव होगी कि इस तरीके से यदि आप चीज़ें करते हो तो आपकी हाइट डेफिनेटली बढ़ सकती है। तो इस वीडियो को बनाने के लिए हमने काफ़ी सारा रिसर्च किया है, तब जाके हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो में आपको वैल्यू ज़रूर मिलेगा। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। तो दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे बोलते सुना होगा कि ये करो तो आपकी 1 महीने में हाइट बढ़ जाएगी, ये करो तो आपकी 1 हफ्ते में हाइट बढ़ जाएगी, और इस चीज़ को खाओ तो रातों रात आपकी हाइट बढ़ जाएगी। पर इस तरीके की कोई भी चीज़ काम नहीं करती, और इस तरीके की कोई भी चीज़ हम आपको नहीं बताने वाले हैं। हम जो चीज़ बताने वाले हैं वो डेफिनेटली पूरी तरीके से नेचुरल है, और वो आपकी नेचुरल हाइट को ग्रो करने में आपकी मदद करेगा। तो हमारी हाइट 18 वर्ष तक नेचुरल रूप से अपने आप बढ़ते रहती है, पर जैसे ही हम 18 के ऊपर होते हैं हमारी हाइट नेचुरल रूप से बढ़ना थोड़ा धीमे हो जाता है। मतलब ये कि हमारी हाइट के बढ़ने की गति थोड़ी धीमी हो जाती है, और उसका कारण ये है कि हमारे शरीर में 18 वर्ष के पहले तक जो HGH हार्मोन है वो काफ़ी तेज़ी से रिलीज़ होता है। और जैसे ही हम 18 के ऊपर चले जाते हैं वैसे ही हमारा जो HGH हार्मोन है वो रिलीज़ होना काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा ग्रोथ भी धीरे धीरे होने लगता है। तो कुल मिलाकर बोला जाए तो हमारे हाइट के बढ़ने और ना बढ़ने में HGH हार्मोन यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का बहुत बड़ा योगदान होता है, और वो जितनी ज़्यादा हमारे शरीर से रिलीज़ होता है हमारी हाइट उतनी ही ज़्यादा ग्रो होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर बात करेंगे कि आप अपनी हाइट को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो भी HGH हार्मोन को ग्रो करके। तो जैसे ही आप अपने शरीर के HGH हार्मोन को ग्रो करोगे यानी HGH हार्मोन को अपने शरीर में HGH हार्मोन की मात्रा को बढ़ाओगे, वैसे ही आप नेचुरल रूप से अपने हाइट को ग्रो करने लगोगे। तो इससे पहले कि हम HGH हार्मोन को बढ़ाने का तरीका देखें, इससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे हमारी हाइट नहीं बढ़ती। तो जो सबसे पहला कारण है जिस कारण से हमारी हाइट नहीं बढ़ती है वो है ग्रोथ प्लेट का डैमेज हो जाना। तो दोस्तों, हमारे घुटनों पर ग्रोथ प्लेट होता है और उसके डेवलप होने से ही हमारी हाइट भी डेवलप होती है, पर जैसे ही हमारी एज बढ़ती जाती है हमारे वो जो ग्रोथ प्लेट है वो भी डेवलप होना धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो जैसे ही हमारी वो ग्रोथ प्लेट डेवलप होना कम हो जाती है वैसे ही हमारा जो हाइट है वो भी इंक्रीज होना कम हो जाता है। तो ये तो था पहला कारण। इसके अलावा जो दूसरा कारण है जिससे हमारी हाइट इंक्रीज़ नहीं होती वो है कि हमारे पेरेंट्स का जो हाइट है वो भी ज़्यादा नहीं होता। तो मान लेते हैं हमारे पेरेंट्स का हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है और इसके कारण हमारा भी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। पर यदि हम चाहें और यदि हम ये सारी चीज़ें फॉलो करें जो अभी मैं इस वीडियो पे बताने वाला हूँ, तो आप अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा लंबे हो सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे यदि आप 18 से ऊपर भी हो तब भी आप अपनी हाइट को नेचुरली ग्रो कर सकते हो। तो इसके लिए हमें अपने शरीर में HGH की मात्रा बढ़ानी है, और जैसा कि हम जानते हैं कि 18 साल तक HGH हार्मोन नेचुरली हमारे शरीर में बनता है और 18 के बाद उसका बनना कम हो जाता है। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी हैं जिससे वो जो HGH हार्मोन है वो हमारे 18 के एज के बाद भी हमारे शरीर में बनता रहे। तो हमें अपने शरीर में 18 साल के बाद भी HGH हार्मोन रिलीज़ करने के लिए हमें अपने पिट्यूटरी ग्लैंड या पाइनल ग्लैंड को एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां से HGH हार्मोन रिलीज़ होता है। तो हमें किसी तरीके से इसको एक्टिवेट करना है, और जैसे ही हम इसको एक्टिवेट कर देंगे तो फिर से हमारे शरीर में HGH हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगेगी और ऑटोमेटिकली हमारा जो हाइट है वो भी बढ़ने लगेगा। तो अब बात आता है कि हम इसे यानी अपने पाइनल ग्लैंड या अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे एक्टिवेट करें ताकि हम अपनी हाइट बढ़ा सकें।
इसे एक्टिवेट करने के दो तरीके हैं। बात करते हैं सबसे पहले तरीके के बारे में। आपको एक्यूप्रेशर का यूज़ करना है। अब बात आती है कि आपको एक्यूप्रेशर का यूज़ कैसे करना है। तो एक्यूप्रेशर करने के लिए आप अपने थंब मतलब अंगूठे का जो ऊपरी भाग होता है उसे बार बार प्रेस कीजिए, वहाँ पे एक्यूप्रेशर लगाइए। और इस एक्सरसाइज को आपको बार बार दिन में करते रहना है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है और ये जो हमारा थंब है वो कहीं ना कहीं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड रहता है। तो यदि हम इस एक्सरसाइज को करेंगे तो ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने में हमारी मदद करेगा। बात करते हैं दूसरे एक्सरसाइज के बारे में। और ये जो दूसरा एक्सरसाइज है या प्रोसेस है वो है त्राटक। तो वैसे तो त्राटक बहुत सारे तरीकों से किया जाता है, बट आप एक त्राटक इस प्रकार से कर सकते हैं कि आप कहीं पे बैठ जाइए और अपने सामने या तो कैंडल रख लीजिए या अपने किसी दीवार पे एक छोटा सा पॉइंट बना दीजिए और लगातार उसको बिना पलक झपकाए देखते रहिए। भले ही आपके आंखों में आंसू आने लगेंगे, बट फिर भी आपको कोशिश करना है कि आप उसको देखते रहें और पलक न झपकाएं। तो दोस्तों, शुरू में वैसे तो ये त्राटक करना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये आपके लिए इजी होता जाएगा। और दोस्तों, यदि आपने त्राटक अच्छे से कर लिया तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक्टिवेट हो सकता है। और जैसे ही आपका एक बार पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, आपके शरीर में वो HGH हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देगा और वैसे वैसे ही आपकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज है और ये जो प्रोसेस है उसे कम से कम कुछ हफ्ते तक करके देखिए और इससे आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। यदि आप अच्छे तरीके से करेंगे, सही नियम के साथ करेंगे, तो आपको ज़रूर इससे बेनिफिट होगा और आप रिज़ल्ट देख पाएंगे। और दोस्तों, इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपका एज कितना है। आप हो सकते हो कि आपकी एज 40 हो या 30 से ऊपर हो, पर फिर भी आप अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हो। यदि आप अपने पाइनल ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर लो तो आप अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि आपके शरीर में HGH हार्मोन रिलीज होने लगेगा। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको इस वीडियो से ज़रूर वैल्यू मिला होगा और ज़रूर आपने काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो को देखकर सीखा होगा। तो हम फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए धमाकेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी टिप्स को फॉलो कीजिए जो भी हमने आपको बताया है, और साथ में अपने लाइफ को बेहतर लाइफ बनाने में अपना योगदान दीजिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और सारी टिप जितनी भी हमने यहाँ पे बात की है उनको अपने लाइफ पे अप्लाई करके अपनी हाइट को इंक्रीज़ कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।